घरे के दुल्हा बनाई थी माँ जानुआ हो की रहिया जे रही तहमारे। सर गाना मेरा बजा था बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जो कि आज सब कोई स्टेज पे गाता है कि तो हरे के कनिया बनाई ती ये धनिया, गर्मी में बबुनी नरमी रख ई जिला देवरिया। लड़कियों के आप क्या कहिएगा जो आके इंस्टाग्राम फेसबुक एकदम नंगापन दिखा रही है, मतलब पूरा गंदा कर रही है, दाढ़ी पे लोग इतना उतर गए तो हम का लड़की कहां कम रही है। सुन, लड़की भी किसी से कम नहीं है, हम लोग कम थोड़ी है तो हम। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ दबंग स्टार मिल गए, बहुत तो हम देखे हैं कलाकार, लेकिन ऐसा कलाकार नहीं मिले। जब हमारी बातचीत हुई ना तो ये बोल रहे कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। क्या मैटर है पूरा मामला, मैं इन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले आप ही का स्वागत है। ठीक है, हमारा स्वागत हो गया। तो हर हर महादेव, आपको भी प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से यही से पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप बताइए। हम ठीक। हम तो ठीक है, आप कैसी हैं? बस आप सबका आशीर्वाद है। क्या नाम हुआ, नाम बता दीजिए दर्शक। छोटा सा नाम हमारा प्रीति राय, आप सबके आशीर्वाद से। बिल्कुल, प्रीति राय जो है ना छोटा नाम है लेकिन बड़ा धमाका इनका है। हाँ, हम लोग दोनों कन्या राशि है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम छोटा सा नाम प्रभा, प्रीति दो ही लड़की, प्रभा राज राय, और दोनों बराबर ही है। समझे कि प्रभा भी दो अक्षर का है और प्रीति भी दो अक्षर, राज भी दो अक्षर का है और राज। सर देखिए कितना सेम से मिलो करते हैं। बस लेकिन बड़े बड़े धमाके आप लोग दोनों करते हैं। बस ये पब्लिक का आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है कि हम लोग इतना ऐसे करते हैं ताकि बम फोड़े। प्यार बनाए रखिए दर्शक लोग गाने के माध्यम से, ऐसा नहीं समझ सोचे जा गाना के माध्यम से बम फोड़े क्योंकि लोग के दिल पर आज करें के। लेकिन मेरा नाम ही प्रभा राज है, इसलिए मेरे नाम के बाद भी लगता है प्रभा राज, तो राज तो करना बनता है ना। लेकिन इनके गाने जो है ना गुंडाई को लेकर, लड़कों का तो काफी लोग सुने होंगे लेकिन ये लड़कियां बोल रही है ना प्रीति राय कि हम भी लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां क्या बोल रही है? नहीं देखिए, हम लड़कियां, लड़की नहीं है ना, लड़कियां में बहुत सारी लड़कियां हो गई ना, तो प्रीति राय में बोला हूं। हाँ जी, नहीं जैसे सर से हमारा बात चलने लगा तो सर बोल रहे हैं कि लड़का लो, हम सर से बात बोले तो हम बोले सर को। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा गलत है विचार की सही है। किसी क्षेत्र में लड़की लोग कम है क्या? सेना पे देख लीजिए, बंदूक चला रही है, जहाज उड़ा रही है, हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करके दिखाया लड़कियों ने, लड़कों से कम नहीं आगे ही है, तो रंगदारी में कैसे पीछे रह जाएंगी सब लोग भाई। लेकिन हाँ, लड़कियां जातिवाद नहीं कर रही है, जातिवाद नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम एक कलाकार हैं और रंगदारी का सब लड़कियों का भावना अंदर से होगा ना भाई कि हम किसी से कम थोड़ी हैं, तो वो हमारा है। मेरा गाना आया था रंगदार से सीख रंगदारी, मेरा गाना आया था एक टुंडुन जी के साथ में, मेरा भी आया है बहुत अच्छा राधे म्यूजिक से। हही गोली बन धूक तो निशानी हा, रंगदार ही कैले खानदानी हा, जेके बहुत सारा लोग प्यार देता, आशीर्वाद देता। अच्छा, ऐसा नहीं खाली रंगदरी आवेला, सब आवेला गाना। अबे वर्ल्ड वाइड से बड़ा अच्छा गाना है एल्बम हमार कि बहरी से नहरी से लाइल रहे मार के, आ सरसों के तेल में हो रख देनी तार के, तो आके खा गइल बिलरिया हो मछरिया खातिर ना, तो पियावा सुतल बाबा हरिया हो मछरिया खातिर ना। बहुत सारा गाना ऐसा नहीं है लेकिन रंगदारी पे लोग इतना उतर गए तो हम का लड़की कहां कम रही है। सुन, लड़की भी किसी से कम नहीं है, हम लोग कम थोड़ी है तो हम लोग गा दिए। चलिए, देख सकते हैं इनके खानदाने रंगदार है, हम क्या कहेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। लेकिन हम बात करेंगे लड़की को लेकर के, ये बोलिए ना कि लड़कियां कम नहीं है, तो आप लोग बताइएगा इंस्टाग्राम पे जो लड़की कर रही है वो क्या सही है? आप कुछ देखती है? मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फैमिली वाले भी देखते हैं बहुत ज्यादा हमारे ये चीज। देखिए, वो अपना अपना है, देखिए हम कैसे बोल सकते, सबका अपना पर्सनल जीवन है, अब हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। देखिए, हम क्या बोले, लड़कियां किसी से कम नहीं है, हमने पहले उदाहरण किसका दिया, जो पायलट है, जो सैनिक में है, पुलिस में है, उनका दिया ना, तो वो भी तो एक लड़की है ना, तो अच्छे को ध्यान दीजिए ना, बुरे को छोड़ दीजिए आप। अगर अच्छा लोग है तो बुरा भी, ऐसा नहीं है, तो हमने पहले उदाहरण ही उन लड़कियों का दिया जो नाम रोशन करनी है अपने माता पिता का, तो जो नहीं करी उनका हम क्या कह सकते हैं, अपना अपना सोच है। अच्छा, उन लड़कियों के आप क्या कहिएगा जो आके इंस्टाग्राम फेसबुक एकदम नंगापन दिखा रही है, मतलब पूरा गंदा कर रही है, उनको क्या कहिए? उनको बस यही कहूंगी कि थोड़ा शर्म कर लो,
ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों सब लड़कियों को बदनाम, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब पूरे फैमिली वाले भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक उन लोगों के चलते हम लोग मोबाइल देना बंद कर देते हैं जो जितने परिवार में। देखिए कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की गलती है, क्योंकि अगर हम देख रहे तो उनका परिवार भी तो यूज करता होगा ना, उनका परिवार भी देखता होगा ना, तो सबसे पहले उनके परिवार वालों को ये चीज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो कोई कदर नहीं होने वाला, सबसे पहले उनके फैमिली को ये चीज देखना होगा, क्योंकि अगर उनकी फैमिली स्टिक होती, उस अगर सभ्य परिवार से वो लोग होती तो ऐसा काम नहीं करती, हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो ये परवरिश का संस्कार का बहुत बड़ा इस मायने रखता है, तो उनका संस्कार वैसा हम क्या कह सकते हैं। तो फिर आते हैं हम लड़की पे, ये जान लीजिए क्या यो लड़की का ये काम है। हम क्या बोले कि आप अच्छी लड़कियों से हमसे बात करिए ना, जिसका हम उदाहरण दिए, वो लड़की काहे कर रहे हैं, हम लड़की का बात कर रहे हैं, लड़की का लड़की का सही है जो मतलब लड़की है वो। हम क्या बोले, वो संस्कार दर्शाता है उनका, हमारा भी तो है संस्कार, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार है, उनका संस्कार है, वो हमारा संस्कार है, जो सेना पे लड़ रही है उनका संस्कार है, तो बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है कि किस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। तो हम तो बस उन लड़कियों को सपोर्ट करते हैं जो अच्छा कर रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, जो डूबो रही हैं उनका क्या कह सकते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बहन ऐसा मत करो आप लोग, क्योंकि गलत है, ऐसा मत करिए, नाम क्यों खराब कर रही हैं, एक मछली के सब बदनाम हो जाएंगे, सब तालाब गंदा हो जाएगा, तो ऐसा मत करिए आप लोग, गंदा गंदा वीडियो मत बनाइए, बस यही बोलेंगे और क्या कह सकते हैं। और लड़की कुछ नहीं कर रही है, क्या कर रही है और भी तो कुछ वही चीज नाम बोले ना, हम तो बता ही दिया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सबको नहीं, अभी अभी और कुछ और कौन लड़की बाड़ी का बताई ना, लड़की पे ही मैं हूँ अभी इधर उधर में सही। देखिए हम क्या बोले कि पांच उंगली बराबर नहीं है, हमने शुरू में ही क्यों नहीं इंस्टाग्राम की लड़कियों का एक एग्जांपल दे दिया, हम क्यों दिए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, पुलिस में है, सेना पे लड़ रही है, बॉर्डर पे लड़ रही है, हम उनका एक उदाहरण क्यों दिया आपको, वो भी तो लड़की है, तो उनके बारे में पूछिए ना, तो आप तो एक चीज पकड़ लिए हैं, उनका हम क्या कह सकते हैं, उनको गिनती मत करिए, देखिए बुराइयों को इग्नोर करिए। मैं वही जो कह रही हूँ वही कहूंगी मैं भी। एक लड़की है तो लड़की का सपोर्ट कर रही है, तो गलत सच है उसका, जो सच है उसका सपोर्ट कर रहा है, और इसमें गलत अगर बोलती तो मैं जरूर बोलती, लेकिन कुछ गलत नहीं बोला तो मैं इसमें क्या बोलूं। अच्छा प्रभा राज, कहीं ना कहीं लड़कियां जो है आज के दौर के हम बताते हैं, जो आप लोग भी देख रहे हैं, हम खुल के नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमको भी खराब लगता है, तो वो कर रही है, वो सब अच्छा कर रही है। देखिए सबको नहीं बोल रहे ना, अब देखिए कुछ लड़कियां अब गंदा कर रही हैं, तो अब सबको आप एक जैसा नहीं देख रहे हैं, पांच उंगली बराबर नहीं है, क्या बोला इन्होंने, तो वही चीज है जो एक साथ एक नजर सबको आप नहीं देख सकते। एक बात बताएं हम आपको, आप भी बताइएगा प्रभा जी हम गलत है कि सही है, अगर सामने वाला इंसान गलत है उसको इग्नोर करिए, ब्लॉक करिए, सब लोग अगर बाइकॉट करेगा तो कैसे वो लोग आगे बढ़े। अरे महाराज जी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यूट्यूब पे आके भर दे रही है, मतलब बच्चे आजकल मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग देख लेते हैं, ये पता है क्या है मोटिव क्यों मिलता है उन गलत लोगों को, क्योंकि हम लोग उनको बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनको इग्नोर करिए, बहिष्कार करिए उनका, देखिए खुद नहीं करेंगे, ऐसे बहिष्कार किया जाए आप ही बताइए, रिपोर्ट करिए, थोड़ा सा एक दो है ब्लॉक करिए, जितना है ब्लॉक करते रहिए, दोबारा एक बार रिपोर्ट करिए, उनके आईडी पे 100 को रिपोर्ट जाएगा, अपने आप आईडी ब्लॉक हो जाएगा। अभी एक थी तो कोई क्रिएटर थी, रील क्रिएटर थी, क्या नाम है, नाम नहीं याद हमको, उसको बाइकॉट तो कर दिया था इंस्टाग्राम ने, रील से हटा दिया था, ब्लॉक कर दिया था उसका आईडी। तो अगर आप जैसे हमारा सोच है, जो मैंने बोला आपको कि उसको रिपोर्ट करिए, अगर सबका सोच ऐसा हो जाएगा, रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो ऐसी लड़कियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा और ना वो ऐसा काम करेंगे, तो हम लोग तो खुद आंख फाड़ फाड़ के एंजॉय करके देखते हैं, तो कैसे होगा। तो फिर उस चीज को बहिष्कार कर, जितने लोग हैं हम आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे, गलत चीज को देखिए, रिपोर्ट करिए, ब्लॉक करिए, इस चीज को हम खुद बढ़ावा देते, तो मत दीजिए, नहीं होगा ये चीज। अच्छा आपका प्रीति जी और कौन कौन सा गाना वायरल हुआ है? मेरा बहुत सारा गाना, टुनटुन जी के साथ गाना मेरा बजा था, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जो कि आज सब कोई स्टेज पे गाता है, कि तोहरे के कनिया बनाई हितिए धनिया हो, आ तोहरे के कनिया बनाई हितिए धनिया हो, आ रही तुझे जतिया हो मारे सोना। टुंडु जी का ये लाइन था, मेरा लाइन था फिर, कि तोहरे के दुल्हा बनाई ती मजनुआ हो, कि तोहरे के दुल्हा बनाई ती मजनुआ हो, कि दहिया जे रही तो हमारे सोना, दहिया जे रही तो हमारे सोना। इसको आज के समय में सब लोग स्टेज पे गा रहा है, काफी ब्लास्ट ये गाना हुआ था, और भी बहुत सारा गाना
सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा ठोकेला। ये भी गाना बम्पर बजा था, मुझे लगता है भोजपुरी का पहला ये गाना था कि 15 दिन में 1 मिलियन रील बना था। किसके साथ? टुनटुन यादव जी के साथ आया था गाना। तो बहुत सारा गाना है कि दर्शक लोग, अभी हाल में ही अभिषेक भोजपुरिया जी हैं देवरिया से, उनके साथ मेरा गाना बजा था बम्पर, उसको सभी लोग गाए थे कि अपना गर्मी में बबुनी नरमी राख जिला देवरिया। तो काफी सारा गाना दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया गानों को, और भी लेके आ रहे हैं, और बहुत उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।